Hello students, welcome to the study adda. Today we are going to study about the chapter light, reflection and refraction. What is light? Light क्या होती है? तो light क्या है? और an object reflect light. कोई object जो है वो light को reflect करता है. जैसे यहाँ पे ये sun है, sun से light आई और ये कोई ऑब्जेक्ट है. जैसे ये फ्लावर आप देख सकते हैं, जब इस सन पे लाइट जो है आ रही है, इंसिडेंट होती है, इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट टुवर्ड्स आवर आइज. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन इट. तो लाइट कहाँ पे फॉल हो रही है? सन फ्लावर पे. उसने रिफ्लेक्ट किया. दिस रिफ्लेक्ट द लाइट वैन रिसीव्ड By our eyes, जब हमारी eyes इसको receive करती हैं, it enables us to see the things. और इस कारण से हम चीज़ों को देख पाते हैं. तो light क्या है? Light एक energy है जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं. By which we can see. Light is a form of energy that enables us to see the objects. और ये किस तरह से हम देख पाते हैं? तो जब लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट पर आती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आई पर यानी आँख पर रिसीव होती है, तो हम देख पाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी का फॉर्म है. जैसे साउंड एनर्जी का फॉर्म है, वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है. इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. तो ये हमने कैसे प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया, एक कैंडल रखा और कुछ कार्डबोर्ड बीच में रखे. उन कार्डबोर्ड्स में एक होल किया और उनमें इस हाइट पे होल किया, सब में सेम हाइट पे. और उन कार्डबोर्ड के होल से हमने देखा किसको? एक जो कैंडल ग्लो हो रही है, जो कैंडल यहाँ पर जल रही है, इस कैंडल को हमने देखा. तो लाइट इसमें से सीधे ट्रेवल करके हमारी आँख तक आती है. तो लाइट क्या है? स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है. तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, लाइट जो है स्ट्रेट ट्रेवल करती है. क्लियर हुआ? तो लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, तो लाइट कैन फॉर्म द शैडो. आपने शैडो देखी होगी, अपनी परछाई सभी ने देखी होगी. जब हम जो है बाहर खड़े होते हैं सन के उसमें, तो अगर यहाँ पे सन है तो क्या होगा? हमारी जो शैडो है वो इस तरफ शैडो बनेगी. तो हमारी जो शैडो फॉर्म होती है वो उसकी लेंथ मॉर्निंग में, इवनिंग में ज़्यादा होती है, आफ्टरनून में कम होती है. तो लाइट कैन फॉर्म शैडो. शैडो कब फॉर्म होती है? जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसको कि लाइट क्रॉस नहीं कर सकती. तो जब लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाती तो उसकी शैडो फॉर्म होती है. तो उसके लिए शैडो फॉर्म होती है. तो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है शैडो फॉर्म करते हैं. ये बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो ये फिनोमिना आपने स्टूडेंट्स 8th क्लास के में भी पढ़ा है. और द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट. यानी जब लाइट आती है स्ट्रेट लाइन में और ये इंसिडेंट रे है, और ये रे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में चली जाती है. इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. तो जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है, और जो लाइट जो है स्ट्राइक करने के बाद जा रही है लाइट रे, वो रिफ्लेक्टेड रे है. तो द बाउंस बैक ऑफ लाइट इन टू द सेम मीडियम. सेम मीडियम का मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में जा रही है. अगर यहाँ पे एयर था तो एयर से लाइट आई, एक प्लेन सरफेस से, प्लेन मिरर से स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद उसी एयर में वापस चली गई. क्लियर? अब एक चीज़ होती है, वो है यहाँ पे नॉर्मल, या जिसे हम कहते हैं इक्वल्स. तो नॉर्मल क्या होता है? ये जो है परपेंडिकुलर लाइन होती है प्लेन सरफेस पे. तो प्लेन सरफेस के साथ ये कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल. तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले प्लेन को हम नॉर्मल कहते हैं या इक्वल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल.
अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी चीज, जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं, दीज आर इक्वल। तो इसके दो लॉ होते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे पहले जो टर्म्स आते हैं इस डायग्राम में, कौन कौन से टर्म्स हैं, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो कौन कौन से टर्म्स जो हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड हैं, तो उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे पहले। देखिए तो कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे, एक तो है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स या नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। तो इन सब को डिफाइन करना है। इंसिडेंट रे क्या होती है, द इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ सरफेस। द रिफ्लेक्टेड रे, अ रे दैट रिप्रेजेंट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। तो इंसिडेंट रे जो आ रही है इंसिडेंस, और जो जा रही है यहाँ से वो रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे लाइट जो है स्ट्राइक करती है। रे ऑफ इंसिडेंस क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो रे ऑफ इंसिडेंस कहाँ स्ट्राइक कर रही है, प्लेन सरफेस पे, वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। तो इसको हम कहेंगे, दिस पॉइंट विल बी नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर, लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये इसको नॉर्मल या इक्वल्स कहते हैं। तो ये मिरर है या कोई सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गई नॉर्मल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों टर्म्स को भी समझते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन दीज इज इंसिडेंस एंगल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एंगल आई, डिनोटेड बाई एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल आर, इज नोन एज एंगल आर। तो इट इज डोनेटेड बाई आर। तो दिस इज अ प्लेन सरफेस। क्लियर। ये प्लेन मिरर है और ये डिनोट किया आर से, तो ये हो गया एंगल आर। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देर आर टू लॉज, दो लॉ होते हैं। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मीन्स द एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। इट इज़ अ वेरी सिंपल लॉ, द एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सभी किस में है, एक प्लेन में है, एक प्लेन सरफेस में लाई कर सकते हैं या लाई करते हैं। तो यही इसका रूल है। तो दिस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो दो रूल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट एंड लर्न इट। क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज। वॉट इज इमेज,
इमेज हम किसे कहते हैं, इमेज क्या है। अब ये हमें समझना है कि इमेज क्या है। इमेज हमने 8th क्लास में आपने पढ़ा है इमेज के बारे में। द इमेज इज द पॉइंट वेयर द लाइट रे मीट और अपीयर टू बी मीट, जहाँ राइट लाइट की रेज या तो मिलती हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही हैं, या हम उन्हें डॉटेड लाइन से शो करेंगे या रियल लाइन से। तो जब वो एक्चुअली मीट करती हैं तो द रियल इमेज कब फॉर्म होती है, जब लाइट एक्चुअली मीट करती है। द रियल इमेज अकर व्हेन द रे कन्वर्ज और इकट्ठा होकर के द लाइट रे एक्चुअली मीट एट द इमेज एंड दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, यानी आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर जो है हमें इमेज जो दिखाई देती है वो रियल इमेज होती है। तो सिनेमा हॉल के अंदर जो हम देखते हैं वो क्या है, रियल इमेज है, क्योंकि वो प्रोजेक्टर से हमारे सामने आती है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज अगर वेयर द रे ओनली अपीयर टू कन्वर्ज, एक अपीयरेंस होती है कि कन्वर्ज हो रही हैं, बट एक्चुअली क्या हो रही है, कन्वर्ज होकर यहाँ पर मिल रही हैं, बट एक्चुअली लाइट डाइवर्ज हो रही होती हैं, तो उसकी जो रियल वो है वो डाइवर्ज हो रही होती हैं। तो ये तो हैं रियल रेज, और इनके पीछे अगर हम इसको डॉटेड मिलाते हैं तो ये वर्चुअल रेज यहाँ पे मीट करती हैं। तो द लाइट रे अपीयर्स टू बी मीट, नॉट एक्चुअली मीट, अपीयर्स टू बी मीट एट द इमेज, और यहाँ वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, और इन्हें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप मिरर के अंदर, प्लेन मिरर घर में सबने देखा होगा प्लेन मिरर, तो उसके सामने खड़े होकर के जब आप अपनी इमेज देखते हैं तो वो तभी तो दिखाई देती है जब आप वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। अगर आप वहाँ नहीं खड़े होंगे तो क्या प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो वो इमेज वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, ये वाला डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेंगे, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं। तो प्लेन मिरर की इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, द इमेज प्लेन मिरर में कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, अभी हमने देखा था क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड, इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। इमेज इज इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब होता है सीधा। तो जैसे ये व्यक्ति जो है यहाँ पे, ये पर्सन खड़ा है सीधे, तो इसकी इमेज भी सीधे बनेगी, यानी कि वो टॉप, इसके जो बॉटम और हेड है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे वैसे ही हैं जैसे ये यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, सेम स्टैंडिंग पोजीशन में वो मिरर के अंदर भी दिख पा रहा है। तो ये हो गई इरेक्टेड। द इमेज इज ऑफ सेम साइज, तो जब हम प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखते हैं, सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट का हो जाता है लेफ्ट और लेफ्ट का हो जाता है राइट। तो ऐसा कैसे होता है, जब आप मिरर के सामने खड़े होकर के देख रहे होते हैं, सपोज करें कि आप यहाँ, ये मिरर है और इसके सामने आप खड़े हैं, जैसे यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, तो आप यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड। और जब आप मिरर में देखेंगे अपने आप को तो क्या होगा कि जो, क्योंकि अभी आप इसकी तरफ फेस करके देख रहे हैं तो आपका फेस मिरर की ओर है और फिर इसका फेस आपकी ओर है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे यहाँ राइट हो जाएगा और राइट हैंड पे लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इरेक्ट तो है, सीधे तो खड़े हैं, बट लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं तो पीछे रिवर्स करके एक बार देख लेंगे, समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस कितनी होती है, सेम, जितनी दूरी पर मिरर से कोई ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पे। तो मिरर से जितनी दूरी पर कोई चीज़ रखी होगी, कोई वस्तु जो है वो होगी, तो उतनी ही दूरी पर उससे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और ये हो गई उसकी इमेज।
स्फेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर को हिंदी में हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब इसी से हमें क्लियर हो जाता है स्फीयर से बने हैं, किससे? स्फीयर से। तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, यानी जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, स्फेरिकल हो, किसी गोले में से स्फीयर में से काटी गई हो, जैसे ये है, या फिर ऐसे हो सकता है कि अंदर की साइड पे पेंट कर दिया हो। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, जब बाहर की साइड पेंट किया हो किसी ग्लास को तो ये वाला बन सकता है, और अदरवाइज ये दो कंडीशन फॉर्म हो सकती है। तो इन्हीं दो टाइप के जो है मिरर होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉनवेक्स मिरर। तो अभी इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश, हुज आउटर सरफेस कौन सी है? अब जैसे ये किसी हमने स्फेयर में से ये जो है कट कर लिया, तो इसकी आउटर सरफेस कौन सी होगी? आउटर सरफेस ये होगी। तो ये जो सरफेस है ये है आउटर सरफेस, तो ये आउटर सरफेस है और इससे रिफ्लेक्शन हो। अब अगर कोई रे आएगी तो वो अंदर की ओर जो है कन्वर्ज हो जाएगी, इस तरह से अंदर की ओर कन्वर्ज हो जाएगी कोई भी रे आएगी, ठीक है, कोई रे आएगी तो वो अंदर की ओर कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये हमने क्या समझा कि ये हमारा कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस पे पॉलिश है, क्या है, आउटर सरफेस पे पॉलिश की गई है, क्लियर है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, इनकी इमेज और डायग्राम आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ से आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर बना लेंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ये सब जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ये आपके लिए शॉर्ट नोट में काम आएगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम अदर वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट टू में इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, अभी हम इसकी थ्योरी कवर करते जा रहे हैं। तो कॉनवेक्स मिरर के बाद, कॉनकेव मिरर के बाद हम बात करेंगे कॉनवेक्स मिरर की। तो जिसकी आउटर सरफेस होती है वो कॉनकेव होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, और इसके बाद हम बात करेंगे कॉनवेक्स मिरर की। तो कॉनवेक्स मिरर होते हैं वो जिनकी इनर सरफेस पॉलिश होती है। तो इस बार हमें कौन सी सरफेस को पॉलिश करना है, इनर सरफेस को। तो ये इनर सरफेस है, तो जब इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, इस बार लाइट बाहर की तरफ से आएगी इस डायरेक्शन से, और ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। तो लाइट आई और लाइट डाइवर्ज हो गई, तो लाइट इस तरह से डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो ये अब ये लाइट एक्चुअली तो डाइवर्ज हो रही है, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, तो ये एक अपीयर होंगी मिलती हुई वर्चुअली, तो ये वर्चुअली मिरर के पीछे मिलेंगी, तो इसको हम कहते हैं कॉनवेक्स मिरर। तो ये रियल में हमारा कॉनवेक्स मिरर होता है, जिसमें कि वर्चुअल इमेज होती है और डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। तो कॉनवेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट को ये करता है डाइवर्ज, फैला देता है, लाइट को फैला देता है, जबकि कॉनकेव मिरर लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, तो इसीलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्लियर है। तो लाइट को जो कन्वर्ज कर रहा है वो है कन्वर्जिंग मिरर, लाइट को जो डाइवर्ज कर रहा है वो है डाइवर्जिंग मिरर, क्लियर। तो आपको ये नोट कर लेना है, ये आप लिख लेंगे तो अब इनके डायग्राम में आगे शो करने वाला हूँ आपको। तो ये आगे आ जाते हैं इनके डायग्राम। तो ये दोनों मिरर आपको दिए हुए हैं, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव है, और ये है कॉनवेक्स मिरर। तो दोनों मिरर की इमेज ये हैं आपको, और यहाँ पे ये हमारी लाइन हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर लाइन है, ये मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट मिरर पे होता है उसको हम पोल कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है क्रॉस करता है मिरर को, या सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर भी इसको हम कह सकते हैं, तो ये होता है पोल। अब ये हमारा सर्कल है, तो अगर हम इसको कंप्लीट कर लें तो ये एक स्फीयर हो जाएगा, और स्फीयर के लिए सर्कल हो जाएगा। सर्कल का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इतनी ही दूरी पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके, ठीक है,
इसके हाफ पर इसका फोकस होगा, इसके हाफ डिस्टेंस पर क्या होगा, फोकस। तो फोकस जो है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। हाफ ऑफ आर यानी आर बाई टू इज नोन एज फोकल लेंथ। तो हाफ ऑफ आर इज नोन एज फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। तो इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ क्या होगी, ये जो इसकी हाफ डिस्टेंस है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और हाफ पे पॉइंट जो होगा वो होगा फोकल पॉइंट या फोकस एफ, उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ये सारे टर्म्स आपको समझ लेने हैं। तो ये डायग्राम था, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं अब आपको बताता चलूँगा, जो हमें अभी डिस्कस किए थे उन सबको डिफाइन कैसे करेंगे। तो उनको डिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, और पहला इम्पोर्टेंट टर्म्स था पोल। पोल इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कल मिरर, मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एज ए पार्ट ऑफ स्फेयर। जो स्फेरिकल सरफेस थी वो एक स्फेयर का पार्ट थी, तो अगर हम उस स्फेयर को कंप्लीट कर लें तो सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ स्फेयर जो है वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है द रेडियस ऑफ स्फेयर। अब जो स्फेयर वो फॉर्म हुआ उस स्फेयर की रेडियस, उस स्फेयर की कोई ना कोई रेडियस होगी और उसको ही कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, द रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये तीनों टर्म्स नोट हो जाएंगे। अभी कुछ और टर्म्स हैं वो भी देखिए। तो अदर टू टर्म्स आर द अपार्चर, अपार्चर क्या होता है, जैसे ये हमारा मिरर, कोई मिरर था तो ये मिरर है, और मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये एम और ये एम डैश, तो M से M डैश तक का डायमीटर, तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो इस डायमीटर को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं अपार्चर। तो ये डायमीटर क्या हो जाएगा, अपार्चर। क्लियर, तो इसे हम कहेंगे अपार्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से दोनों से क्रॉस होते हुए खींच दी जाए, तो वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, तो जो सी से और पी से जा रही है लाइन, तो किन्हीं दो पॉइंट से होते हुए एक और केवल और केवल एक लाइन खींची जा सकती है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, क्लियर। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द फोकस, फोकस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस का मतलब द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एट वेयर द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, द पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, और ये जहाँ से क्रॉस करती, जहाँ पर मिलती हैं, ये पैरेलल रेज जहाँ पर मिलती हैं, वेयर दे मीट द इन कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी कन्वर्ज एट द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। तो जहाँ पर ये कन्वर्ज हो जाएँ या फिर कन्वर्ज होते हुए हमें अपीयर हों, जैसे यहाँ पर ये स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ट हो गई, बट एक्चुअल में ये ऐसे अपीयर हो रही हैं कि ये इस पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं, तो ये पॉइंट भी प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा और यहाँ ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर, ये डायग्राम्स आप ज़रूर ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, पीछे डायग्राम में ही देखते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये एफ से पी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ से लेटर से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस। फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर का हाफ कर दोगे तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू या आर इज इक्वल टू टू एफ। दीज फॉर्मूलाज विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल्स, तो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इनको यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू या और आर इज इक्वल टू टू एफ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहाँ पर आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।